एवरीबडी, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक नए प्लेलिस्ट के बारे में जो कि मैं शुरू करने वाली हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। ये प्लेलिस्ट होगा कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड, हाउ टू एलिवेट योर कम्युनिकेशन स्किल्स, बिकॉज एज अ कोच आई हैव अंडरस्टूड एंड आई डू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, एस्पेशली इन द जॉब रोल ऑफ एयरलाइंस। इट इज इम्पॉर्टेंट कि आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो एलिवेट हो, इम्प्रूव हो एंड यू स्टैंड आउट फ्रॉम द अदर कैंडिडेट्स व्हेन यू अपियर फॉर इंटरव्यूज। ठीक है, तो ये प्लेलिस्ट में मैं सारी वो चीजें डिस्कस करने वाली हूँ जो कम्युनिकेशन स्किल्स को आपके एनहेंस करेगी, इम्प्रूव करेगी, एंड हाउ यू कैन साउंड बेटर, यू कैन साउंड मोर स्मार्टर, हाउ यू कैन स्टैंड आउट फ्रॉम द अदर कैंडिडेट्स इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। वो सारी चीजें इस प्लेलिस्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रचना, वेलकम टू माई चैनल। सबसे पहली चीज जो मैं शुरू करने वाली हूँ या जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने वाली हूँ आर द मैजिक वर्ड्स सॉरी एंड थैंक यू। ये दो वर्ड्स है जो एयरलाइन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो इन दोनों वर्ड्स में से एक वर्ड जो कि है थैंक यू, उस पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। सिर्फ थैंक यू बहुत सारे लोग बोलते हैं, बट इफ यू वॉन्ट टू स्टैंड आउट, इफ यू वॉन्ट टू शो that you have better communication skills, you have enhanced communication skills, so you can use thank you in different ways. वो मैं आपके साथ कुछ कुछ phrases discuss करूंगी। Of course, every phrase हर thank you के साथ fit in नहीं होगा, but ये चीज तो of course आपको समझ में आ ही जाएगा कि कौन सा phrase आप किस situation में use कर सकते हो, but how you can use thank you in different ways, in different phrases, वो मैं आपके साथ इस video में discuss करने वाली हूँ। Number one, your words of praise have touched me. Thank you. Number two, your support means a lot to me. Thank you. Number three, I'm truly grateful for your kind gesture. Thank you. Number four, thank you very much for your kind words. Number five, I want to express my sincere gratitude. Thank you. Number six, I want to extend my heartfelt thanks for your support. Number seven, I really appreciate your thoughtful comment. Thank you. Number 8, I'm grateful for your encouraging feedback. Thank you. Number 9, your positive response has made my day. Thank you. तो ये सारे थे phrases जो मैंने jot down किए हैं। I hope you found this video useful and I really hope कि आप ये सारी चीजें अपने real life में practice करोगे। जब आप ये सारे terms, ये phrases use करते हो तो it will come into your habit. It will sound more natural whenever you speak, whenever you communicate with others, and this is the communication that they are looking for, or this is the communication that is called elevated sense of communication or excellent communication. ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। For more future cabin crew interviews, job related content, content related to personality development, communication skills enhancement, stay tuned. Thank you very much. Goodbye.